हो सकती है। और वहीं युद्ध जैसी परिस्थितियों में उच्च ऊंचाई पर टू मैन टैक्टिकल एरियल व्हीकल एक बड़ी चुनौती होती है। एक भारतीय कंपनी इस समस्या का समाधान खोजने पर काम कर रही है। यह महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को अधिक चुस्त और लचीला बनाने में मदद करेगा। डीडी इंडिया की संवाददाता विशाल बैरस्टो ने उस कंपनी के सह संस्थापक से बात की जिसे भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। रक्षा क्षेत्र में अब प्राइवेट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और मेरे साथ है सागर डिफेंस जो रोबोटिक्स में काम करते हैं और उनके मेहुल मेरे साथ हैं। इनको अदिति वन में अवार्ड मिला है, आज रक्षा मंत्री ने दिया है। मेहुल, अगर हम सागर डिफेंस की बात करें, सबसे पहले इस जो अवार्ड मिला है वो कितना आपको इनक्रेज करेगा और क्यों आपका ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ? जो हमें प्रोजेक्ट मिला है उसका नाम है टू पर्सनल एरियल व्हीकल फॉर हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। तो अभी हम जानते हैं कि लेह लद्दाख और हाई एल्टीट्यूड रीजन में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही एक मेजर जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि दिन के टाइम उड़ सकते हैं प्लेन, रात के टाइम प्लेन नहीं उड़ सकते हैं। तो इसे को मद्देनजर रखते हुए इंडियन आर्मी ने चैलेंज निकाला जिसके अंदर हमें 2 पर्सन को कैरी करने वाला एरियल व्हीकल बनाना है जो कि उस एल्टीट्यूड में काम करेगा। क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे सिस्टम बना रहे थे और 18 जुलाई 2022 को हमने मोदी जी को एक ऐसा ही 1 पर्सन वाला उड़ा के दिखाया था लाइव जनपद पे। उसके बाद ये हमें मिला गया डेवलपमेंट के लिए, इस चैलेंज के लिए। आपका ये प्रोजेक्ट जो अब आपको बनाना है ये क्या है और कब तक आपको कंप्लीट करना है? इस चैलेंज के हमें 2 इंसान को लेके उड़ने वाला हाई एल्टीट्यूड रीजन पे फॉर मेडिकल इवैक्यूएशंस और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए बनाना है। जो इसका मैक्सिमम टाइमलाइन है वो 22 महीने है, पर हम इसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप बोल रहे हैं बनाना है मतलब ड्रोन बनाना है, एरियल प्लेटफॉर्म बनाना है जो कि इंसान को लेके उड़ेगा हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में। एरियल प्लेटफॉर्म और नॉर्मल एयरक्राफ्ट में क्या फ़र्क होता है? जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट होता है वो मैन्ड होता है, ये वाला मैन्ड एंड अनमैन्ड ड्यूअल यूज़ वाला प्लेटफॉर्म रहेगा, इसलिए ये एरियल प्लेटफॉर्म इसको कहा गया है। जब हम बात करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, तो लड़ाई के इलाके क्षेत्र में अगर युद्ध हो जाए तो उसमें ये कितना कारगर साबित होगा? इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और ये मतलब डिपेंड करता है एंड यूज़र के साथ इसके क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं। बट जो अभी हमें मिला है वो फिर मेडिकल इवैक्यूएशंस और कैजुअलिटी इवैक्यूएशंस की एप्लीकेशंस के हिसाब से दिया गया है हमें। तो आपने सुना नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और लगातार नए चैलेंजेस आ रहे हैं और इसके लिए हमारे MSMEs और हमारे स्टार्टअप्स प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं विशाल बैरिस्टू, DD न्यूज़ दिल्ली। UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स युद्ध प्रौद्योगिकी का एक